शिवसेना नेता संजय राउत से मुलाकात के बाद एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने कहा कि हम विपक्ष में बैठेंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार बनाने को लेकर शिवसेना से हमें कोई प्रस्ताव नहीं मिला है। उन्होंने कहा कि मेरे पास नंबर नहीं है, कैसे सरकार बनाएं? महाराष्ट्र में सरकार बनाने के लिए 2 दिन का वक्त बचा है। ऐसे में शिवसेना नेता संजय राउत ने बुधवार को एनसीपी प्रमुख शरद पवार से मुलाकात की थी। शरद पवार से मुलाकात से पहले संजय राउत ने मुख्यमंत्री पद के लिए अपनी पार्टी की मांग को दोहरा दिया और कहा कि बीजेपी के साथ अब किसी नए विकल्प पर चर्चा नहीं होगी। मुलाकात के बाद संजय राउत ने कहा कि पवार साहब से मेरी आज मुलाकात हुई। पवार साहब देश के महाराष्ट्र के बड़े नेता हैं, मार्गदर्शक हैं सबके। उन्हें भी चिंता है कि राज्य में सरकार क्यों नहीं बन रही, अभी राज्य में अस्थिरता है। उन्होंने भी बातचीत में चिंता जताई। हमने थोड़ी बहुत बातचीत की, आगे की बात आगे सोचेंगे। शरद पवार ने साथ ही कहा कि संजय राउत हमेशा मिलने आते रहते हैं। शिवसेना बीजेपी की 25 साल की दोस्ती है। शिवसेना ने 170 का आंकड़ा एक बार बोला था, हम भी पता कर रहे हैं कि वो आंकड़ा कहां से आया। महाराष्ट्र की जनता ने सरकार बनाने के लिए हमें कोई भूमिका नहीं दी, हमारे पास पर्याप्त संख्या नहीं है, वरना हम सरकार बना लेते। एनसीपी और कांग्रेस जो करेंगे वो एक मत से करेंगे। हमने और कांग्रेस ने मिलकर चुनाव लड़ा, इसलिए जो भी होगा साथ में रहकर करेंगे। ऐसे में विकल्प एक ही है, भाजपा शिवसेना मिलकर सरकार बनाए। LD न्यूज रूम की रिपोर्ट।